फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन से कॉल फॉरवर्डिंग को आप हटा कैसे सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का ना डायल पैड आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। डायल पैड को ओपन कीजिए, इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर जो डॉट का ऑप्शन है, डॉट पर आपको टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें आपको यह ना कॉल सेटिंग पर आपको टैप करना है। अब आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये ऑप्शन मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग पर टैप। अब आपका ये पेज आता है, इस पेज में देखिए दो ऑप्शन है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल। तो जिसमें आपका कॉल फॉरवर्डिंग लग रखा है उसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके दोनों ही ऑप्शन में अगर कॉल फॉरवर्डिंग लग रखे हैं तो आप एक एक करके दोनों में से हटा सकते हैं। मैं आपको वॉइस कॉल के बारे में बता देता हूं, वॉइस कॉल पर टैप करना है। अब आपका पेज जो है रीडिंग सेटिंग होता है, तो आपको इस बीच में अपने मोबाइल फोन का कोई भी बटन नहीं दबाना है थोड़ी देर तक, ठीक है। तो आपका पेज इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड पर टैप करना है। देखिए दोस्तों, ऑलवेज फॉरवर्ड पर टैप करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पे देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स टू मुकेश, ठीक है। तो यहां पर ये जो मुकेश नाम लिखा हुआ है ना, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप कर लेना है, ठीक है। तो आपका ऑलवेज फॉरवर्ड का ये छोटा सा पेज आता है, इसमें देखिए जो नंबर शो हो रहा है ना, ये मेरा जो है मोबाइल फोन में मुकेश नाम से सेव है, इसलिए बाहर के पेज में मुकेश लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका जो है ना, यहां पर ये नीचे ऑप्शन होता है टर्न ऑफ पे टैप करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका पेज जो अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में कंप्लीट, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो है ना मुकेश नाम यहां पे पहले शो हो रहा था, अब यहां पे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है वो हट जाती है, यानी कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल हो जाती है। अब मैं आपको इस सेटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में यहां पे समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने से पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो है ना, जब मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करता था तो वो कॉल मेरे नंबर पर नहीं आता था, वो कॉल उस वाले नंबर पर चला जाता था जो नाम यहां पर मुकेश यहां पर शो हो रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस कॉल फॉरवर्डिंग को हमने हटा दिया है, तो अब कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो है ना, अब मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल सीधा मेरे नंबर पर आएगा, अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद ऐसे काम करती है सेटिंग। अगर दोस्तों आपके फोन में भी कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं, ठीक है। यही सेम प्रोसेस है, अगर वीडियो कॉल में भी लग रखी है तो वीडियो कॉल में भी आप उसे इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है।